दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं Xiaomi की तरफ से लॉन्च किए गए दो नए गेमिंग स्मार्टफोन्स के बारे में। जी हाँ, Xiaomi की तरफ से ब्लैक शार्क 4 सीरीज को चाइना में लॉन्च कर दिया गया है। और जिन लोगों को नहीं पता है भाई, ब्लैक शार्क जो है वो Xiaomi का ही बच्चा है, Xiaomi के अंडर में ही आता है। तो Xiaomi की तरफ से ब्लैक शार्क 4 और ब्लैक शार्क 4 प्रो दोनों को चाइना में लॉन्च कर दिया गया है। और ये वाले स्मार्टफोन शायद आपको इंडिया में भी देखने के लिए मिल सकते हैं, क्योंकि ब्लैक शार्क सीरीज के फोन इंडिया तो आते हैं। तो आई होप कि ये वाले स्मार्टफोन्स भी आपको इंडिया में मिलेंगे। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं इन्हीं दोनों स्मार्टफोन से जुड़ी सारी चीजों के बारे में। बहुत कम डिफरेंस आपको मिलते हैं दोनों स्मार्टफोन के बीच में, तो एक ही वीडियो में अपन दोनों स्मार्टफोन की बात कर लेंगे। फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने के पहले लाइक टारगेट सेट करते हैं। लाइक टारगेट रखते हैं मात्र 400 लाइक्स का, आई होप आप कंप्लीट कर दोगे। फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है यश और प्रोटेक विलेज चैनल में आपका स्वागत है। स्टार्ट करते हैं भाई बातचीत को, और सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन की बिल्ड क्वालिटी एंड डिजाइन के बारे में। बिल्ड क्वालिटी, यहां पर आपको ऑल ग्लास बिल्ड मिलेगी, ग्लास फ्रंट मिलता है, ग्लास बैक मिलता है, एल्युमिनियम की फ्रेम मिलती है। बिल्ड क्वालिटी स्टडी दी गई है और प्रीमियम बिल्ड क्वालिटी लगती है, गेमिंग वाला फील भी आपको मिलेगा। डिजाइन की अगर बात करते हैं भाई, तो एक जो वेरिएंट है उसमें आपको एक्स पैटर्न मिलता है पीछे की तरफ, बाकी जो दो कलर है वो प्लेन कलर्स दिए गए हैं। सेंटर में एक स्ट्रिप मिलती है जिसमें ट्रिपल कैमरा का सेटअप दिया गया है। और फ्रंट में अगर बात करते हैं तो यहाँ पर आपको सेंटर पंचोल के साथ में डिस्प्ले मिलता है, हल्की सी यहाँ पर आपको चिन्ह देखने के लिए मिलती है। मैजिक ब्लैक, प्लेन ब्लैक और प्लेन सिल्वर, तीन कलर्स में आपको फोन मिलता है और गेमिंग वाला फील आपको देता है भाई। तो दिखने में फोन अच्छा है और बिल्ड क्वालिटी भी यहाँ पर आपको काफी सॉलिड मिल जाती है। डिस्प्ले की अगर बात करें, 6.67 इंचेस का बड़ा डिस्प्ले यहां पर आपको दिया गया है, फुल एचडी प्लस रेजोल्यूशन के साथ में आता है, सेंटर पंचोल के साथ में आता है, E4 एमोलेड पैनल यहां पर आपको दिया गया है जो कि डिस्प्ले क्वालिटी को और ज्यादा बेटर बनाता है। 20:9 का आपको एस्पेक्ट रेशो मिलता है, 395 ppi के आसपास आपको पिक्सल डेंसिटी मिलती है। तो ये तो एक नॉर्मल डिस्प्ले की बात हो गई, लेकिन जब गेमिंग डिस्प्ले की बात होती है भाई, तो यहां पर रिफ्रेश रेट की बात करना जरूरी है। 144 हर्ट्ज का यहां पर आपको रिफ्रेश रेट मिलता है और 720 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट यहां पर आपको मिलता है। दिस इज इनसेन, 720 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट यहां पर आपको दिया गया है। मतलब जो आपके गेमिंग सेशन रहने वाले हैं, मतलब एक स्टेप आप अपने ओपोनेंट से आगे ही रहोगे भाई, क्योंकि यहां पर आपके जो टचेस हैं वो फटाफट से रजिस्टर हो जाएंगे, तो ये काफी अच्छी बात है। और उसी के अलावा अगर बात करें तो यहां पर आपको HDR 10 प्लस का सपोर्ट मिल जाता है, वाइडवाइन L1 का सपोर्ट आपको मिल जाता है, 1300 निट्स की पीक ब्राइटनेस यहां पर आपको मिलती है। दोनों फोन के साथ में सिमिलर डिस्प्ले दिया गया भाई, तो डिस्प्ले क्वालिटी यहां पर आपको सॉलिड मिलती है, डिस्प्ले क्वालिटी से कहीं भी आपको शिकायत नहीं हो सकती है। परफॉर्मेंस की अगर बात करते भाई, तो यहां पर आपको दोनों फोन में डिफरेंस मिलता है। जो वेनिला वेरिएंट है ब्लैक शार्क 4, वहां पर आपको मिलता है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 870 चिपसेट, और जो प्रो वेरिएंट है वहां पर आपको मिलता है प्रो चिपसेट क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 888 वाला। दोनों ही चिपसेट भाई अपनी अपनी जगह तगड़े चिपसेट है, मतलब 888 तो भाई इस साल का फ्लैगशिप है, इससे ज्यादा पावरफुल आपको कोई प्रोसेसर मिल नहीं सकता है। लेकिन जो 870 चिपसेट है वो भी बहुत ज्यादा पावरफुल है, 877 नैनोमीटर पर बना हुआ है, 888 बना हुआ है 5 नैनोमीटर पर। दोनों के साथ में जो GPU मिलते हैं 650 और 660 वाले, गेमिंग आपको टॉप नॉच करा देते हैं। तो यहाँ पर आपको CPU परफॉर्मेंस और गेमिंग परफॉर्मेंस से तो कोई समस्या यहाँ पर आपको नहीं आने वाली है। दोनों फोन के साथ में आपको LPDDR5 RAM मिलती है। ब्लैक शार्क 4 की अगर बात करें तो वहां पर आपको नॉर्मल UFS 3.1 वाला स्टोरेज मिलता है, लेकिन ब्लैक शार्क 4 प्रो के अंदर एक ऐसी चीज करी गई है ब्लैक शार्क की तरफ से जो कि नेक्स्ट लेवल परफॉर्मेंस देती है भाई। यहां पर आपको रैम डिस्क मिलता है स्टोरेज के लिए। रैम डिस्क का मतलब जिन लोगों को नहीं पता है भाई, जो आपका रैम होता है उसको एज ए स्टोरेज यूज किया गया है। और हिंदी भाषा में, सरल भाषा में अगर मैं बोल दूं, तो यहां पर आपको जो आपके कंप्यूटर में SSD जिसको बोलते हो वो यहां पर आपको मिलता है। और रीड राइट की स्पीड में ड्रास्टिक चेंजेस यहां पर आपको मिले हैं, यहां पर आप स्क्रीनशॉट देख सकते हो भाई, यहां पर रीड राइट की स्पीड काफी तगड़ी निकल के आ रही है। तो परफॉर्मेंस आपको दोनों फोन से काफी तगड़े मिलेंगे, लेकिन जो 4 प्रो है उससे आपको नेक्स्ट लेवल परफॉर्मेंस मिलने वाला है। परफॉर्मेंस के मामले में आपको दोनों फोन में कोई भी शिकायत नहीं आने वाली है। कैमरास की अगर बात करें भाई, तो दोनों फोन के प्राइमरी कैमरास में आपको डिफरेंस मिलता है। ब्लैक शार्क 4 के अंदर आपको 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा मिलता है और ब्लैक शार्क 4 प्रो के अंदर आपको 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा दिया गया है। उसके अलावा 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस दोनों के साथ में मिलता है, 5 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा आपको दोनों के साथ में मिलता है, और 4K वीडियो आप रिकॉर्ड कर सकते हैं दोनों फोन के साथ में 60 FPS तक पे। तो यहां पर कैमरा सेटअप दोनों में अच्छे दिए गए हैं। फ्रंट में दोनों फोन के साथ में 20 मेगापिक्सल का सेल्फी
सेल्फी कैमरा मिलता है और सेल्फी कैमरा से आप 1080 पिक्सल्स में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं 30 fps पर। ओवरऑल कैमरा सेटअप एक गेमिंग डिवाइस के हिसाब से अच्छा दिया गया भाई, क्योंकि गेमिंग डिवाइस में वैसे भी कैमरा पर ज्यादा फोकस रहता नहीं है, तो गेमिंग डिवाइस के हिसाब से यहां पर आपको अच्छे कैमरा सेटअप मिल जाते हैं दोनों फोन के साथ में। बैटरी की अगर बात करते हैं, 4500 mAh की बैटरी आपको दोनों फोन के अंदर मिलती है। अब ऐसा आपको लग सकता है भाई कि गेमिंग डिवाइस में मात्र 4500 mAh की बैटरी दी गई है, तो जी हां, बैटरी का साइज तो थोड़ा सा कम दिया गया है, लेकिन 120 वॉट की चार्जिंग को फोन सपोर्ट करता है और 120 वॉट के चार्जर आपको बॉक्स के अंदर मिलेंगे, मतलब क्रेजी फास्ट यहां पर आपको चार्जिंग स्पीड मिलने वाली है। और ब्लैक शार्क का जो लॉन्च इवेंट था वहां पर उन्होंने डेमो देकर के बताया था कि कितने टाइम में फुल चार्ज हो जाता है भाई, मात्र 14 मिनट 50 सेकंड में फोन जीरो से लगा के 100% चार्ज हो गया था, यानी कि हार्डली 15 मिनट में आपका फोन जीरो से लेके 100% तक चार्ज हो जाएगा। दिस इज इनसेन मैन, काफी ज्यादा फास्ट चार्जिंग यहाँ पर आपको मिलती है। टाइप सी वाला पोर्ट यहाँ पर आपको मिलता है, हमारा प्यारा दुलारा 3.5mm का खड्डा इस फोन के अंदर मिलता है, उसको गायब नहीं किया गया है, ये काफी अच्छी बात है। उसी के अलावा अगर बात करें तो यहाँ पर आपको डबल लेयर कूलिंग सिस्टम दिया गया है, लिक्विड कूलिंग मिलती है, जहां पर जो पहली लेयर है वो आपको डायरेक्ट स्क्रीन के नीचे मिलती है, उसके बीच में फिर यहाँ पर प्रोसेसर और दूसरे जो कंपोनेंट्स होते हैं जिनको भाई जिनमें हीट डिसिपेशन की जरूरत पड़ती है उनको लगाया गया है, और उसके ऊपर से एक और लिक्विड कूलिंग की लेयर आपको मिलती है, मतलब यहाँ पर हीट डिसिपेशन को लेकर के काफी अच्छा काम किया गया है। आपका फोन ज्यादा गर्म नहीं होने वाला है, अगर लॉन्ग सेशन आपके गेमिंग के रहते हैं तो भी यहाँ पर आपको परेशानी नहीं आने वाली है, तो ये काफी अच्छी बात है। स्टीरियो स्पीकर्स यहां पर आपको मिल जाते हैं, कोई समस्या नहीं है वहां पर, ऑडियो क्वालिटी काफी अच्छी निकल जाएगी। साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है यहां पे, फेस अनलॉक का ऑप्शन आपको मिल जाता है, छुटर पुटर इधर उधर के सारे सेंसर आपको मिल जाएंगे, सेंसर में कोई कमी नहीं करी गई है। उसी के अलावा एंड्रॉइड 11 के ऊपर आपको फोन मिलेगा, जॉय यूआई 12.5 यहां पर आपको मिलता है, जो कि ब्लैक शार्क का खुद का बनाया हुआ यूआई है, तो ये वाला यूआई आपको मिल जाता है। वेरिएंट्स की अगर बात करें भाई, तो ब्लैक शार्क 4 जो है वो आपको मिलता है 4 वेरिएंट्स में, और ब्लैक शार्क 4 प्रो जो है वो आपको मिलता है 3 वेरिएंट में। पहले बात कर लेते हैं ब्लैक शार्क 4 के बारे में, 6GB प्लस 128GB वाला वेरिएंट मिलता है, प्राइस भी मैं आपको साथ साथ बताते चलता हूँ भाई, और चाइना प्राइस नहीं बताऊंगा, उसको मैंने कन्वर्ट कर लिया है इंडियन प्राइस में, तो इंडियन प्राइस आपको बताते चलता हूँ। 6GB प्लस 128GB मिलता है आपको 27,847 रुपये, 27,847 के लगभग। 8GB प्लस 128 मिलता है आपको 30,000 के आसपास। 12GB प्लस 128GB मिलता है आपको 33,500 के आसपास। और 12GB प्लस 256GB आपको मिलता है लगभग 36,700 के आसपास। तो प्राइस पॉइंट मेरे हिसाब से डिसेंट रखे गए हैं, और जब इंडिया में आएंगे अगर ये फोन, तो थोड़ा थोड़ा मसाला और लगेगा भाई, कस्टम का, जीएसटी का, ये सारे मसाले लगने के बाद में थोड़ा थोड़ा 2,000-3,000 रुपए प्राइस और बढ़ जाएगा। बात करते हैं 4 प्रो के बारे में, तो 3 वेरिएंट्स में आपको 4 प्रो मिलता है, 8GB प्लस 256GB मिलता है लगभग आपको 44,500 के आसपास। 12GB प्लस 256GB मिलता है 50,000 के आसपास। और एक इसका टॉप वेरिएंट आने वाला है 16GB प्लस 512GB की हार्ड डिस्क के साथ में, वहां पर आपको मिलता है 60,000 का प्राइस पॉइंट। तो प्राइस पॉइंट गेमिंग डिवाइस के हिसाब से जो ब्लैक शार्क 4 है उसके प्राइस पॉइंट मेरे को थोड़े से ज्यादा बेटर लगे। ब्लैक शार्क 4 प्रो ऑब्वियसली भाई फ्लैगशिप गेमिंग की तरफ जाता है, तो प्राइस पॉइंट भी उसी हिसाब से रखे गए हैं। अब जब इंडिया आएगा तो अगेन थोड़ा थोड़ा प्राइस बढ़ने वाला है, जैसा मैंने आपको बता ही दिया। आप मेरे को कमेंट करके बताना भाई कि दोनों में से कौन सा डिवाइस आपको ज्यादा पसंद आया, गेमिंग के लिए कौन सा ज्यादा आपके लिए सही रहने वाला है, किस डिवाइस का प्राइस पॉइंट आपको ज्यादा अच्छा लगा, कमेंट करके दोनों फोन के बारे में अपनी राय जरूर से बता देना। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना, ऑल वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना, ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचे आपको तुरंत से। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।